लोग इसका सिक्स नंबर देखते हैं। दिया हुआ है 3a² x² प्लस का 8ab x प्लस का 4b² = 0 एंड यहाँ कह रहा है कि a ≠ 0। चलिए इसके लिए देखते हैं, a का वैल्यू यहाँ पे दूसरे सिंबल से देना होगा क्योंकि यहाँ पे पहले ही ऑलरेडी ए बी सी दिया था, इसे कैपिटल ए से डिनोट कर देते हैं। तो 3a² है, b का वैल्यू है यहाँ पर 8ab और c का वैल्यू है यहाँ पर 4b², तो यहाँ d निकालेंगे ना, b² माइनस का 4ac। हमने कैपिटल लेटर से इसलिए डिनोट किया क्योंकि इसमें ऑलरेडी ए बी का यूज किया हुआ है। चलिए तो यहाँ 8ab² माइनस 4 इंटू में 3a² इंटू में 4b², ठीक है। तो आगे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ 64 ठीक है, a² b² और माइनस का यहाँ क्या हो जाएगा, 4 4 जा 16 16 3 जा 48 a² b² ठीक है। चलिए अब यहाँ से ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 16a² b² d का वैल्यू जो 0 से ग्रेटर है या फिर 0 के इक्वल होगा। तो अब 0 से ग्रेटर नहीं होगा, 0 के इक्वल नहीं होगा, 0 से ग्रेटर होगा, लिख सकते हैं। देयरफॉर द गिवन इक्वेशन हैज रियल रूट्स। अब इसके रूट्स रियल होंगे तो वही श्रीधराचार्य वाला रूल लगाते हैं, माइनस का बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई में 2 ठीक है। तो यहाँ से x इक्वल टू में माइनस बी, तो माइनस बी के प्लेस पे है 8ab प्लस माइनस रूट अंडर डी, यानी कि ये हो जाएगा 16a² b² और बाई में आपका 2, a का वैल्यू है यहाँ पर 3a². चलिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x इक्वल टू में माइनस 8ab प्लस माइनस 4ab बाई में 6a². चलिए अब यहाँ से अलग अलग करते हैं, तो x इक्वल टू में माइनस का 8ab प्लस का 4ab बाई में 6a² और एक हो जाएगा x इक्वल टू में माइनस का 8ab माइनस का 4ab बाई में 6a², यहाँ x इक्वल टू में आ जाएगा माइनस का 4ab बाई 6a², एक a से एक a कटेगा, ये 2 और यहाँ पर ये 3, तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा माइनस का 2b बाई में 3a और यहाँ से देखिए x इक्वल टू में माइनस का 12ab और y में 6a², एक a से एक a कट जाएगा, 6 2 12, तो यहाँ से x इक्वल टू में आ जाएगा यहाँ पर क्या, माइनस का 2b बाई ए, तो एक ही है और एक ही है, यहाँ पे हमने रूट्स निकाल दिए, समझ गए। चलिए अब